आदाब नमस्कार दोस्तों, हिंदूज में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम ईद की छुट्टी के बाद फिर से आपसे मिल रहा हूँ, क्योंकि एक दिन की छुट्टी तो चाहिए हमारी, इतना तो हमारा हक बनता ही है, लेकिन काम भी ज़रूरी है और इसलिए आपके सामने फिर से खबरें लेकर आ चुका हूँ। बात करेंगे असम की, लेकिन चुनाव उत्तर प्रदेश में है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव को ध्यान रखते हुए, उत्तराखंड चुनाव को ध्यान रखते हुए, पंजाब चुनाव को ध्यान रखते हुए देश भर में इस तरह के मुद्दे को लाया जाएगा। जहाँ जहाँ एक विशेष सरकार की सरकार चल रही है, वहाँ पर इस तरह के मुद्दों को लाया जाएगा, जिसका असर जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर उसका फ़ायदा आसानी से लिया जा सके। असम के नए मुख्यमंत्री बने हेमंत बिश्वा शर्मा। सबसे पहले आते ही घोषणा कर दी थी कि हम यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण लेकर आएंगे और उसको लेकर वह तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं। हालांकि उनसे दो कदम आगे बढ़ते हुए योगी जी ने उनसे पहले ही मसौदा तैयार कर दिया और वेबसाइट पर डाल दिया, लेकिन हेमंत बिश्वा शर्मा ने शुरुआत की थी और इस वक्त वो चहेते हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं और जिस चीज़ के लिए चुना गया था तो जाहिर सी बात है उस पर खड़े उतर रहे हैं। तो उन्होंने दो कदम आगे बढ़ते हुए पॉपुलेशन आर्मी बनाने का एक ऐलान किया। ये आपके इलाकों में कंट्रोल करेगी पॉपुलेशन को, किस तरह से कंट्रोल करेगी वो मैं आपको बताने आया हूँ, पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। लेकिन उस पर जाने से पहले अपील है कि वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर यह दोस्तों, हेमंत बिश्वा शर्मा जो दो महीने पहले असम के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उससे पहले सर्वानंद सोनोवाल थे, उन्हें केंद्र ने बुला लिया कि अब आप यहाँ पर आके ड्यूटी दीजिए। उसके बाद हेमंत बिश्वा शर्मा को कमान सौंप दी असम की। अब असम में आने के बाद उन्होंने कई ऐसी चीज़ें कही, सबसे ज़्यादा जो फिलहाल चर्चित चीज़ है वह है पॉपुलेशन कंट्रोल कर लेकर। उन्होंने कहा कि एक खास इलाके में आबादी का बड़ा विस्फोट हुआ है, जिसके कारण काफ़ी सारी चीज़ों में आने वाले वक्त में दिक्कत पैदा हो सकती है, तो हम इसको कंट्रोल करेंगे। ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन अब उन्होंने दो कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि हम लोग 1000 युवकों को भर्ती करेंगे, एक पॉपुलेशन आर्मी बनाएंगे जो कंट्रोल करेगी और उसके बाद वो आपके इलाकों में जाएगी, वो आपको गर्भ निरोधक दवाइयाँ देंगी, कॉन्डोम्स बांटेंगी और बहुत सारी चीज़ें करेंगी और जागरूकता फैलाएंगी, जिससे कि आपके यहाँ पर जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसे कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा इन 1000 लोगों के साथ में 10000 आशा वर्कर्सों की ज़रूरत पड़ेगी जो उनके साथ लगाया जाएगा, यानी कि 10000 आशा वर्कर्स हो गई, 1000 तकरीबन हो गए आपके युवा, जो युवा आजकल बेचारे बेरोजगार होंगे, हो सकता है कि शायद उनको काम करने के तरीके से मौका मिल जाए और वो लोगों में जाकर बताएं कि भाई पॉपुलेशन ऐसे कंट्रोल होगी, आप लोग जो हैं ये चीज़ें का इस्तेमाल कीजिए, इससे इस्तेमाल कीजिए। फ़ायदा भी बताएंगे और नुकसान भी बताएंगे, दोनों चीज़ें बताएंगे इस पॉपुलेशन कंट्रोल का। और इसमें जो सबसे बड़ी खास चीज़ निकल कर सामने आई कि ये सारे युवा, सारे आशा वर्कर्स ये जाएंगे मुस्लिम इलाकों में, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि बड़ी आबादी बढ़ रही है, आबादी के नाम पर विस्फोट हो रहा है, वहाँ जाकर समझाएंगे। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि अगर पॉपुलेशन ही एक तरह से प्रॉब्लम होती तो चीन जो है जो इतना आगे बढ़ रहा है वो बहुत पीछे हो जाता, या पॉपुलेशन की वजह से और नुकसान होता तो फिर और बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। लेकिन यह है कि जो लोग समझदार हैं, एजुकेशन है, वो अपने हिसाब से अपने परिवार का जो है एक तरह से प्लानिंग करते हैं, उसके तहत चलते हैं। लेकिन फिलहाल आप लोग समझ सकते हैं ये कानून क्यों बनाया गया और किस लिए बनाया गया है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।